रेडी भी हो गई है ये मौसी लोग का घर। मैं यूट्यूब फैमिली तो आपका स्वागत है एक नए दिन एक नए ब्लॉग में। तो आज का मेरा ब्लॉग अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। दिनेश अभी जा रहा है घर, तो चलिए मैं दिखाती हूँ दिनेश जा रहा है घर, उसको बाहर निकलती हूँ। और ये दिनेश जाने के लिए रेडी हो गए हैं और ये जा रहे हैं अभी घर। और ये आ गए मौसी जी से भैया भागवत। अभी मैं भागवत में जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और लगातार 3 दिन मतलब हम लोग यहाँ आए हो गया, तो हम लोग 3 दिन कथा सुने और आज कथा का लास्ट दिन भी है। आज मतलब सुदामा चरित्र है और वहाँ पे झांकी वाके भी निकलता है, ये आगे के ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो चलिए आज फिर चलते हैं, आज लास्ट दिन भी और कल घर जाना है। तो चलिए मैं आप लोग को जाके दिखाते और बाकी सब लोग भी रेडी हो गए हैं, बस निकलने ही वाले हैं। तो हम लोग निकलते हैं और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और पूरा ब्लॉग वॉच कीजिए ताकि आप लोग को वहाँ का व्यू दिखे। और ये ब्लॉग कौन कौन यहाँ मतलब गिरौदपुरी से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मेरे को भी पता चले कि यहाँ से कौन कौन देख रहे हैं। मैं निकल ही रही थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ है जिसको मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये यहाँ पे है मंदिर छोटा सा जिसे मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखा रही था ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है छोटा सा मंदिर जो बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे दुर्गा माँ स्थापित है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता, यहाँ पे साईं बाबा है और बहुत सारे भगवान जी हैं। आप लोग देख सकते हैं एकदम अच्छा लग रहा है यहाँ को देख के, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूँ। तो आप लोग देखिए और आप लोग को कैसा लग रहा है मेरे को कॉमेंट करके बताइएगा। और ये पूरा मस्त लग रहा है और ये मौसी लोग का घर लोग देख सकते हैं ये। और अभी तो अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, अगर आप लोग को पूरा घर का टूर देखना होगा ना तो पूरा मतलब घर कैसा है तो मेरे कमेंट करिएगा ताकि मैं आप लोग को यहीं का एक ब्लॉग दिखाऊं बना के। चलिए हम लोग अब चलते हैं, निकलने भी वाले हैं। चलिए मैं आप लोग को वहाँ जाके वहाँ का व्यू दिखाती और सब रेडी भी हो गए ये और मैं भी रेडी हो गई और आज वहाँ पे जो कार्यक्रम होगा उसको मैं आप लोग को वहीं चल के दिखाऊंगी। और यहाँ पे है मौसी चाची भाभी और मम्मी और यहाँ पे हूँ मैं देखिए। और ये हम लोग पहुँच गए, सामने में है पंडाल और यहाँ पे सब जने आ रहे हैं ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और भाभी और मैं मस्ती करते करते। और यहाँ पे हम लोग महाराज जी का आशीर्वाद लेने जा रहे थे, यहाँ सामने आगे भैया भाभी और हम लोग जी के पीछे में मैं थी मम्मी थी और उसके बाद यहाँ भाभी और पीछे में ये आप लोग देख सकते हैं मौसी जी की। मैं वीडियो बना रही कर पता है इतना सी फ़ोटो खींच रहे बोल के ताकि। और ये हम लोग आ गए अभी प्रणाम करने मतलब चार हैं और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना भीड़ था, जगह ही नहीं था बैठने का, बहुत ही ज़्यादा भीड़। और हम लोग अभी पहुंच गए महाराज के पास आशीर्वाद लेने और हम लोग को प्रसाद। और यहाँ पे पहुँच भजन चलिए सुनिए और बताइए कैसा लगा। और ये क्या हो गया, लाइट बंद हो गया वहाँ पे ना, मतलब बहुत ही बार लाइट बंद हो रहा था, जैसे भजन चल रहा था तो उसी बीच में लाइट बंद हो गई है आप लोग देख सकते। और ये लाइट आ भी गया, बहुत ही अच्छा लगा। जब लाइट आया तो सबको बहुत खुशी, सब चिल्लाने लगे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर लाइट गोल हो गया तो देख सकते हैं बार बार बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, मतलब इतना दिन से गए थे ऐसे नहीं हो रहा था। उसी दिन पता नहीं ऐसे क्यों बीच बीच में हो रहा था, फिर आ रहा था, फिर आ रहा था। और यहाँ पे द्वारपाल लोग ना सुदामा जी को अंदर नहीं जाने थे और उसके बाद कान्हा जी सुदामा जी को लेकर आए और उनका पैर धो रही है आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे कान्हा जी और सुदामा जी बैठे हैं, उनकी दादियाँ उनको हवा कहती हैं आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग भी जो चावल लाए थे ना उसको वहाँ पे चढ़ा के आते हैं और वहाँ पे जाकर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं कान्हा जी सुदामा जी रुक्मणी मैया और जो दासियाँ हैं वो, और यहाँ पे सभी जने आके मतलब उनका प्रणाम।
और अभी रात के 10:30 हो गए हैं, हो गया था और कथा ख़त्म ही नहीं हो रहा था और हम लोग अब ख़त्म हो गया, अब ख़त्म हो रहा था सोच रहे थे भाव ही। और यहाँ पे मौसम वो बात कर रहे थे और फिर उसका ख़त्म ही नहीं हुआ ना, तो हम लोग थाली को जैसे लाए थे ना वैसे लेके हम लोग घर चले गए क्योंकि बहुत रात हो गया था। और ये हम लोग जा रहे हैं अब घर और टाइम भी बहुत हो गया, ये देख सकते हैं पूरा अंधेरा और अभी 11:30 होने वाला है, फिर भी कथा। और ये आ गए हम लोग घर और आप लोग टाइम खुद देख सकते हैं कितना टाइम हो गया, फिर भी कथा अभी तक चल रहा है वहाँ पे। हम लोग गए थे भागवत में, ये तो आप लोग को पता ही, और गए तो थे लेकिन बहुत टाइम से गए थे हम लोग, वही मतलब 5 बजे से। और हम लोग को अभी आते आते ना बहुत 11:30 भी हो गया और मतलब कथा अब ख़त्म होगा, अब कथा ख़त्म होगा बोल के हम लोग सोच ही रहे थे लेकिन ख़त्म ही नहीं हुआ, मतलब 11:30 बज गए। ये भी मतलब पूरा एकदम अजीब था, तो हम लोग मतलब बहुत टाइम से मैं बोल ही रही थी लेकिन सब जने आरती करके जाएंगे बोल रहे थे, तो मैं भी रुकी थी लेकिन आखिरी में सब आए और मम्मी अभी नहीं आई हैं। और जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छा से अच्छा बनाने की और आप लोग को कैसा ब्लॉग चाहिए ये भी मेरे को बताइए। तब तक आज का ब्लॉग बस इतने रखते क्योंकि बहुत थक गया टाइम और खाना भी बनाना है, तो मौसी और भाभी खाना बना रहे हैं, मैं थोड़ा हाथ मुँह धो लेती हूँ और आज का ब्लॉग बस इतना ही रखती हूँ और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।